नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए समाचार की। राजनीति संभावनाओं का खेल है। आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस पार्टी के विरोध में हुआ था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन लगभग हो चुका है। और दिल्ली में गठबंधन होने के बाद आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है कि वह हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर व वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला आम आदमी पार्टी से किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा है हाईकमान कोई भी निर्णय लेगी तो वो उसे मानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये नई खबर देने जा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के बीच, यहाँ तक कि जेजेपी को साथ लेकर गठबंधन होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो 7 सीटों पर कांग्रेस व 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी व जेजेपी चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, यह एक नया गठबंधन अगर होता है तो एक स्वाभाविक गठबंधन और होने की भी संभावनाएं हैं, वह है इनेलो व भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी व इनेलो के बीच में अब तक 4 बार पहले गठबंधन हो चुके हैं। इनेलो इस समय 2 फाड़ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने की कोशिश में है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, झज्जर की कार्यकारिणी में करण चौटाला ने कार्यकारिणी के सदस्यों से यह बात की जानकारी मांगी थी, सहमति मांगी थी क्या भगवा और हरा को एक कर दें, लेकिन इस सहमति, इस घोषणा के बाद सुभाष बराला जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका खंडन किया था, मुख्यमंत्री ने इसका खंडन किया था। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी व इनेलो का गठबंधन जींद चुनाव के बाद टूट सकता है, वह राजकुमार सैनी के साथ बहुजन समाज पार्टी जा सकती है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस व जेजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है, तो इनेलो व भाजपा के बीच भी गठबंधन हो सकता है। अगर इनेलो व भाजपा बीच गठबंधन होता है तो 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी व 2 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, 15 अप्रैल तक का समय है अभी सभी राजनीतिक दलों के पास अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने का। सभी की लिस्टें तैयार हैं, लेकिन शायद इस गठबंधन के चक्कर में शायद कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना कर ले, दूसरे राजनीतिक दल भी अपनी सूची को रोके हुए हैं। तो आप देखते रहिए पल पल, आज इतना ही। यह आपको मैं बिग ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूँ। नमस्कार। को लेके ये है कि कल से नवरात्रे शुरू, और नवरात्रों में माता रानी कुछ अच्छा ही करेगी, और ये गठबंधन अगर होता है जिसकी संभावनाएं हैं तो 10 की 10 सीटें ये गठबंधन जीते, और जो राक्षस सोच है बीजेपी की, जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाती बढ़वाती है, उससे मुक्ति मिलेगी। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई, अगर गठबंधन सिर नहीं चढ़ता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी जीतेगी और साफ जीतेगी। आम आदमी पार्टी ने सलाह दी थी, सुझाव दिया था सारी पार्टी, अब बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि उनके प्रोपगंडे के खिलाफ, उनके झूठ के खिलाफ सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये बात लगभग हम करीब
पिछले 15-20 दिन मेरे ख्याल में महीना हो गया, वह कह रहे हैं। तो अगर हरियाणा की जो स्थिति है, हरियाणा की स्थिति के अकॉर्डिंग मुझे लगता है गठबंधन ने, ये नवरात्रे शुरू हो रहे हैं कल से, तो अच्छी खबर शायद आपको। तो ये हरियाणा की बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्या? हरियाणा और दिल्ली दोनों की बात।